ये विश्वास अपने लोगों का विश्वास के लिए कर रहे हैं, सदन में उनका विश्वास, उनके दल के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का या अन्य सहयोगी का विश्वास प्राप्त करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया है। ये विश्वास उनका अपने सदस्यों पर रहा कि नहीं, गिनती तो निश्चित रूप से बताती है कि उनके पक्ष में यह है, लेकिन उनका चेहरा में यह नहीं झलकता है। ये चेहरा में ये आत्मविश्वास नहीं है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद आकलन ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मैं उस आत्मविश्वास को भी देखा, इसलिए कह रहा हूं बन्ना भाई, मैं उस आत्मविश्वास को दिखा था जब सदन में आप जीत के आए थे, सरकार बनी थी, वो आत्मविश्वास थे। आज देखो वो आत्मविश्वास किसी के चेहरे में नहीं है। जो दिख रहा है गिनती आपके पक्ष में, लेकिन आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। मैं एकदम, मेरा आत्मविश्वास आज इसलिए दिख रहा है। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, आप अपना बात करो। सुदीप भाई, सुदीप भाई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया जब आप बोलने उठे थे, क्योंकि देश में सबसे बड़ा, इस राज्य में सबसे बड़ी चर्चा और लगातार अढ़ाई साल से जो बड़ा विषय है कि यहाँ की जनता यह चाहती थी और चाहती है कि स्थानीयता का निर्धारण हो। आज मैं बता रहा हूं, बोलिए माननीय सदस्य, बोलिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपने बातों को रखे रखे बातों को, आप लोग बैठिए। मैं सुदीप जी के साथ ही चलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, वो आप स्वतंत्र हैं, किधर चल सकते हैं। चलिए, ये जो अभी जो विषय आ रहे हैं उसका इशारा जो है, विश्वास अपनी जगह, मैंने कहा विश्वास के भीतर अविश्वास है, अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अपने राज्य से कोई बाहर विश्वास जताने नहीं जाता है। जब अपनी सरकार हो, जब अपनी सरकार हो, अपनी सरकार हो, जब अपनी सरकार हो तो ऐसा होता नहीं। कोई भी प्रावधान आज अगर अच्छा होता कि राज्य के ज्वलंत विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर स्पेशल चर्चा हो जाता, क्योंकि एक साल का रिकॉर्ड पूरे देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर का हमारे राज्य में, स्पेशल अगर आज बात हो जाती कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय जिसको मांग हम लोग लगातार कार्य मंत्रालय में या राजनीतिक पटल पर कहते आए हैं, ये सारे एजेंडे पर अगर प्रस्ताव लेके आते तो अच्छा लगता है। चलिए सुरेश जी, चलिए अब आप कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। आज ये सदन, मैं इसलिए पूछा कहाँ चलते, नहीं कंक्लूड करिए, आपको हम यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए। चलिए, क्योंकि आज माननीय सदस्य लोग प्रमुख दरवाजे से नहीं आए हैं, आज मुख्यमंत्री के दरवाजे से आए हैं, अभी बैकडोर से आया गया यहाँ भी, तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, एक जवाबदेह दल, एक जवाबदेह बहुमत को उसका सम्मान रिटर्न होना चाहिए। और कोई भी चीज आप जिसको तोड़ेंगे, कोई भी सिस्टम को आप तोड़ेंगे जिसको भुगतना पड़ेगा, आप कोई भी चीज राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए या कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में आइए, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। हड़बड़ी कहीं ना कहीं दिख रही है गवर्नमेंट की, मैंने पहले भी कहा, उनके चेहरे में झलक रही है। आज ये सुनिश्चित करे सरकार कि इन जिन एजेंडों पर मैंने चर्चा किया और राज्य के मूल एजेंडे हैं, जिस अंकिता की चर्चा हो रही है, जिस दुमका की दूसरी लड़की की चर्चा हो रही है, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सरकार प्रकाश डाले और जवाब दे ले, ये हम आपसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। चलिए, चारों विषय पर सरकार विधिवत रूप से मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेते हुए सदन में आए। माननीय सदस्य सज्जू राय, सरकार का उत्तर होना है। सज्जू बाबू, आप काफी बुजुर्ग आदमी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, सदन में उनको कोई भी प्रस्ताव लाने का अधिकार है, और उस प्रस्ताव को अगर
सभाध्यक्ष उचित मानते हैं, भले उचित हो ना हो, उचित मानते हैं तो सदन उसको विचार कर रहा है। महोदय, जब ये सरकार बनी थी तो मेरे सहित कई लोगों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया था, भरोसा दिया था। इस बीच सदन के कई सत्र हुए, हम लोगों ने प्रश्न किया, ध्यान आकर्षण किया, प्रश्नों के उत्तर आए, उसमें से अधिकांश उत्तर सही नहीं थे। मैंने सभाध्यक्ष को लिखा, उसको समिति के हवाले किया गया, समिति ने निर्देश दिया, सरकार ने खुद भी कई बार स्वीकार किया, लिखित निर्देश विभागों ने दिया। महोदय, मगर जितने प्रश्न मेरे थे इस तरह के, एक पर भी सरकार के विभाग ने या सरकार के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसी स्थिति है इस सरकार की कि सरकार के अधिकारी सदन को अपने झूठे उत्तरों के का कूड़ादान मान लिए कि सदन में कुछ भी कह सकते हैं, सरकार कोई निर्देश देती है जिले में लागू नहीं होता है। ये स्थिति महोदय, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा है, इस पर प्रश्न उठे हैं विपक्ष की तरफ से भी, सुदेश जी ने और कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्यों रखा आपने ये प्रश्न। तो ये सवाल मेरे मन में भी है कि सदन में विश्वास का मत रखा गया, उसके पहले विधायक सत्ता दल के रायपुर गए, वहां रहे, वहां से सर्किट हाउस आए, आज यहाँ आए हैं विश्वास व्यक्त करने। अब जब सदन की कार्यवाही समाप्त होगी तो ये फिर सर्किट हाउस जाएंगे, रायपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे, पता नहीं है महोदय। सदन के सामने आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्टाचार करने वाले आप हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं आप, भ्रष्ट मंत्री हैं, मैं सदन में कहता हूँ। मान्य सर निमित्ता करते हैं, किसी नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, जो मन में आता है मनमानी करता है, मुख्यमंत्री बर्दाश्त करते हैं। जब ऐसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे और सदन में विश्वास का प्रस्ताव लाएंगे, सदन में विश्वास का प्रस्ताव लाएंगे, ये बीच में खड़ा होने की हिम्मत करेंगे, ऐसे मंत्री इस मंत्री चलिए सर जो अपना बातों पर मंत्री परिषद आप कहे आवेद पर आ जाते हैं, कैसे व्यक्त आता है वरिष्ठ आदमी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है, कई कई व्यक्ति के नाम आए हैं, एक भी सरकार की तरफ से आता ऐसे लोगों से। संजू बाबू का आवेद ठीक नहीं है, सही बोल रहे हैं, बात करते महोदय। चलिए, तो जब ये स्थिति है महोदय कि जिन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया सरकार के पक्ष में पौने तीन साल पहले, और आज वे जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण के बारे में प्रमाण दे रहे हैं, उन प्रमाणों पर के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है महोदय। और फिर सरकार चाहेगी कि हम विश्वास व्यक्त करें। महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, कि ये सरकार हम लोग के सवालों पर कार्रवाई करे। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा महोदय, सरकार को तो अपार बहुमत है, अपार बहुमत है, कहाँ संकट है इनकी सरकार गिरने का, कोई चाहे तभी नहीं गिरा सकता है। और मैं तो सबको कहता हूँ कि जो चुनी हुई सरकारें हैं लोकतांत्रिक माध्यम से, उनको गिराने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए, ये सरकार बहुमत में है, सरकार ये काम करे। ठीक, अब ये काम करना चाहिए, इसलिए सही मामले में सरकार को लगता है कि जैसे तीन विधायक बंगाल में चले गए, आज बंगाल में है, सदन में नहीं आ पाए, ये सवाल कहीं से उठा नहीं कि हमारे सदन के तीन साथी विधायक बंगाल में रोक लिए गए हैं, उन्होंने कुछ किया, उसके प्रति अविश्वास पैदा हुआ, उसके कारण अविश्वास पैदा हुआ, लगता है कि तीन के बदले 13 हो सकते हैं, अविश्वास पैदा हो गया। तो महोदय, इसीलिए जिस तरह से फलों को सुरक्षित रखा जाता है, डिब्बा बंद किया जाता है, उसी तरह से बस बंद करके जहाज से विधायक आ रहे हैं। चलिए, अब सरकार का उत्तर, संजू बाबू हो गया, संजू बाबू अब सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री जी, आप ट्रेजरी बेंच के आदमी है बेटिया, संजू बाबू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार का उत्तर। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर अब बहुत बोलिए, सब तो नीलकंठ बाबू बोले, सीपी बाबू बोले, अमर जी बोले, भानु जी बोले, सब तो बोलिए, सब आदमी सरकार का उत्तर। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी इधर से अगर बोलवाएंगे तो उधर से भी आएगा, दिक्कत है, समय भी आप देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, हाँ आपका उत्तर, आपका उत्तर सुनिए। Thank you.
अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों से करबद्ध प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है कि बहस के दौरान नोकझोंक होती रहती है और सब एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, जिनको जरूरत पड़ता है हेडफोन लगा करके सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये आग्रह होगा कि आज जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को आप लोग कृपया पूरा सुने और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास ना करें। राज्य के 3.25 करोड़ जनता में आप लोग भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं और जब हम राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जनता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को भी संतुष्ट करने का हमारा प्रयास होगा। हालांकि आप लोगों की चाहत और आप लोगों की इच्छा इतनी है में काउंट होते हैं सदन में, लेकिन शुरू शुरू में जैसे आपने सदन पर सवाल खड़ा किया, मैंने भी उसमें आपको टोका था और ये बिल्कुल निराधार है जो आपने आसन पर सवाल किया। अगर आपको ज्यादा उस पर शक है तो आप प्रोसीडिंग को भी उठा के आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्वास मत को लेकर यहां आज सत्र आई है, सत्र आहूत हुआ है। कई लोग हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत है तो विश्वास मत की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वो इसलिए है अध्यक्ष महोदय और ये सत्र और ये सरकार ये साबित करना चाहती है और ये देश को, राज्य की जनता को ये बताना चाहती है कि वर्तमान हमारी यूपीए की सरकार 2019 के बाद से लेके आज तक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी मुंहतोड़ हम लोगों ने जवाब दिया, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को जिस तरीके से सरकार ने संभाला है और ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इनके ज्वाला कमान है वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हवाई जहाज तो छोड़िए सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको, भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर। और स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक
एजेंडा फिट करने लगा, किया गया। जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडे भी बेचना प्रारंभ किया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयास रखा है अध्यक्ष महोदय। ना खाएंगे ना खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आलाकमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये सबों व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है अध्यक्ष महोदय। आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का खर्च माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का खर्च माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज के राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द कितनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे हैं तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में एक भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके ये ऐसे समूह के लोग हैं, मुझे आज उस कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं जो मैं अभी हाल के दिनों में किसके सामने आई। ये ऐसे मान्य सदस्य, मान्य सदस्य आसन से सुने, अनुयायी अध्यक्ष महोदय सुनिए सुनिए सुनिए, जिनके मार बदन नेता बोलने सुनिए, बुलबुल के पंख में उड़ के जेल से बाहर निकलते थे, और वही ये लोग हैं जो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वो गिनाना शुरू करूंगा तो इनकी लिखते लिखते इनकी स्याही खत्म हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार लेखक को मैं बहुत उनकी आज की
उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबार छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूं कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहां पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति धर्म नस्ल रंग भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है ये अचानक एक नेताओं की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं हवाई जहाज से जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदर बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज देख लीजिए 20 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस देश इस राज्य से। आज बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए, वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने आवाज आज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो तो वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इनको पता चल चुका है और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ये आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में है और बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारा कौन सा 2 राज आपस में भिड़ गया पुलिस का, कौन राज लड़ गया था, नहीं नहीं मेघालय नॉर्थ ईस्ट तरफ में कौन 2 राज लड़ गया था, अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के 2 जिला 2 राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खुली संघर्ष कर दिया। आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा, ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे
और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम है। अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय इस राज्य में विगत मुझे लगता है महीनों भर से 15 तब गवर्नर वाला काम से शुरू हुआ 25 अध्यक्ष महोदय 25 अगस्त से इस राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने राज्यपाल को अपना मंत्र दे दिया है, राज्यपाल कहते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय क्या यूपीए के प्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से जो विमर्श था वो हमें प्राप्त हुआ है, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे और उसका पताचेप करेंगे। अध्यक्ष महोदय महामहिम के द्वारा ये पताचेप ना करते हुए वो राजभवन के पिछला दरवाजे से निकल करके दिल्ली में जाकर के बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, जबकि कानून का ये सलाह कहता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया जो परामर्श है उसको आप सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये ना करते हुए राज्य में एक अनिश्चित स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली सभाओं के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय इसी वजह से यह सत्र लाई गई है अध्यक्ष महोदय कि देख लो सदन के अंदर हम कितने मजबूत हैं और एहसास कर लो कि सदन के बाहर हम कितने मजबूत हैं। आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, आज अध्यक्ष महोदय आंगनबाड़ी सेविका से सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो। अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय, चलिए आज एक अकेला हेमंत सोरेन के लिए लोगों का कारण नहीं है लगा हुआ और यहाँ पर ऊपर का डायरेक्शन है, लेकिन चिंता न करो ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय आप लोगों अध्यक्ष महोदय इनको बताना चाहिए भारत सरकार को हम लोगों ने सरनापुर भेजा है उसका क्या हुआ, वो बताओ सरनापुर क्यों नहीं लागू हो रहा है। माननीय सदस्य संसदीय आचरण के तहत अगर बोलते जवाब का जवाब देते तो विषय होता, अब आप खुद के बेल पर आकर के हाथ उठा के ये क्या समझाना चाहते हैं, समझ से परे है, समझ से परे है। माननीय सदस्य महोदय जवाब को जवाब न काटिए, तर्क को तर्क से काटिए, लॉजिक को लॉजिक से काटिए, तब ना व्यवस्था में चलिए। आज ये केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड में इतने चूर है अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज इस राज्य में ऐसी सरकार है जो गलत काम करेगा उसको बुरी से कठिन सजा देने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईसभा मचाए हुए, इनका समरी लाल जी का क्या हाल है, देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कहा के विधायक की अनुशंसा राजपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है, बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए
और दो तीन विधायक को यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं मेरे समझ से परे आता है। देख बहुत कैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे आदरणीय सुदेश दास आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता सम्मानित हो आपको अध्यक्ष महोदय। 20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे और अध्यक्ष महोदय यही नतीजा है और ऐसे ही लोग की वजह से हमारे ऐसे ही आदिवासी कुछ और ऐसे ही मूलवासी लोगों की वजह से इस राज को छलता गया गया आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए यहाँ पर स्थानीय था 1932 चाहे CNT SPT चाहे OBC की आरक्षण की बात हो या आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं OBC का आरक्षण किसने घटाया है ये बता दे सदन को। अध्यक्ष महोदय आप बच्चे सिद्ध बाबू थक गए सिद्ध बाबू बच्चे अध्यक्ष महोदय इनके विपक्ष में भी इतने मौसम की बाज और नए नए चेहरे वाले लोग हैं इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है उन शाखाओं में आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को कैसे बेकूफ बनाया जाए इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय अभी इनका कुछ दिन पहले यहाँ पीड़ में इनको प्रशिक्षण दिया गया था हमने उसमें देखा मुझे जो खबर आई इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 32 का खतियान झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूँ सदन को और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा 1932 और OBC के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना आप भारत सरकार से करा के ले आना सरना कोड लागू करवा के ले आना हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना और OBC के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा कर के आना। अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले कभी कभी हमारे आदिवासी भाई मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष महोदय मैं अपने हाथ को काट रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं अपने शरीर को नोच रहा हूँ अध्यक्ष महोदय लेकिन यहाँ के चंद जो इस तरीके के आचरण करने वाले नेता हैं वो इस तरीके से अपने आप को कभी इधर कभी उधर ले जा जा करके अपने आप को देश के और राज्य के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे और यहाँ के झारखंड के सरल सीधे साधे आदिवासी दलित पिछड़े लोग इनके चाल में आ जाते हैं समझ में नहीं आता इनको कैसे ठगा जाता। उस दिन अंकिता सिंह के यहाँ दुख व्यक्त करने गए 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे निशिकांत दुबे मनोज तिवारी और कौन शर्मा कपिल शर्मा और तो और कमाल की बात है वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया और जब हमने इस बात को सवाल उठाया जब दूसरी एक घटना घटी बाबूलाल जी ने तुरंत सुनील सोरेन को अपने बगल में बैठा लिया पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय इनका जो चेहरा है अध्यक्ष महोदय इतना भयावह इतना डरावना और इतना क्रूर है इसको पहचानना इतना आसान नहीं है लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष महोदय इसलिए आप चिंता ना करें
अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। चलिए अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता है राज्य में सुखाड़ है, सुखाड़ पर सरकार को चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज ये सब सब सुखाड़ की चर्चा के लिए भी तैयार था अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो स्थिति है इनकी अध्यक्ष महोदय, इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको लूट कर खाने की आदत रही है अध्यक्ष महोदय। दाल लगाएगा कोई, काटेंगे ये। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का ना आदिवासी ना दलित ना पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राज बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय सरकार सुखाड़ पर भी गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने विगत इनके पाप किए हुए चीजों को हम लोगों ने कितने तकलीफ से ढोने का काम किया, किसानों की ऋण माफी करने का काम किया, पहली बार समय से पहले बीज वितरण करने का काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में ये सबको पता है कि यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है, कई जिला को लगभग सुखाड़ पूरी तरीके से हुआ पड़ा है और सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द इस पर समीक्षा उपरांत इस राज्य के लगभग पूरे राज्य के प्रति एक बेहतर योजना लाने की तैयार कर रही है। और इसलिए और भी सुनेंगे और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में एक ही आदमी मान्य सदस्य, एक ही आदमी सुन रहा है खाली सीपी बाबू, बाकी कोई और लोग नहीं सुन रहा है, सीपी बाबू ही सिर्फ सुन रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी हो सुन तो रहा है। ठीक, ये खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य सेवा करते थे, जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का ही खतियान लागू सबसे बेहतर। अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब अगर एक एक व्यक्ति की अगर हम इनकी पर्चियां खोलने लगे अध्यक्ष महोदय, तो यह सत्र एक दिन का नहीं एक साल का बिता करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आपको इस सत्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाना इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं मुंह में राग बगल में छुरी, और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से बेहतर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या तुमको, क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? आप लोग आइए, आपने सामने
और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता चल करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इसलिए चूहों की तरह ओछी काम मत करें, छोटे छोटे कुतरने का बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए और आज देख लीजिए राज्य की जनता के चेहरों पर, आम नागरिकों के से बात करके जाके देखिए, दंगा करके किसी का भला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आग लगा करके कभी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता और देश का प्रधानमंत्री जो देश के आधे राज्यों से लड़ रहा हो, उससे द्वंद कर रहा हो, देश का खाक विकास होगा? अध्यक्ष महोदय, इस देश में सबसे अधिक 90% ड्रग सप्लाई होता है तो अदानी के एयरपोर्ट से होता है, लेकिन कोई ADCBI नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहां आदमी कपड़ा हटा करके एक्सप्रेस लगा ले तो ईडी हाजिर हो जाता है, CBI हाजिर हो जाता है, ये आ जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना और गला बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता, इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। मान्य सदस्य अपने आसन पर चले, आसन पर। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है? क्या बोल रहे सीपी? आदरणीय सरजू राय जी ने भ्रष्ट मंत्री कहा, मैं नहीं, आदेश महोदय मुझे बोलने दिया जाए, भ्रष्ट मंत्री कहा है इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए और अब मानना अध्यक्ष महोदय, अब मानना का मामला दायर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्ट इनके पास क्या प्रमाण है? ये प्रमाण प्रस्तुत करें कि कहां हमने भ्रष्टाचार किया है। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाथ है, जो इसके पक्ष में है वह नाक है। जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। यह प्रस्ताव पर बोलिए बोलिए मान्य संसदीय महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए, मत विभाजन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर निश्चय मान्य सदस्यों को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव, मत विभाजन की घंटी बजाए। सचिव, घंटी बजाए। गिनती भाग गया, भगा दिया आप लोग।
जो प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विधानसभा पदाधिकारीगण, माननीय सदस्यगण आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हो गया पर मतदान का परिणाम इस प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष 48 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। यह प्रस्ताव पारित हुआ, सभा का कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।